कानपुर जो कि अपने आप में एक देखा जाए तो मेट्रोपोलियन होने के साथ साथ अभी कई सारी चीज़ें उसमें इंप्लीमेंट हो रही हैं, इसी के साथ कानपुर शहर में आप अगर देखा जाए तो इवेंट्स हो रहे हैं, चाहे वो फैशन से रिलेटेड हो, चाहे वो अनदर फील्ड से रिलेटेड हो। इस वक्त हम मौजूद हैं कानपुर के किदवई नगर लोकेशन पे, जहाँ पे किदवई नगर में कानपुर क्वीन किचन कॉन्टेस्ट का ऑर्गेनाइज यहाँ पे हुआ है और यहाँ पे लखनऊ से भी जज आए हैं। परखने क्या थाली का स्वाद होता है, कैसे हम उसको देख सकते हैं, क्योंकि एक देखा जाए तो कानपुर में इस वक्त खास तौर पे इसके लिए भी जाना जाता है, अलग अलग टेस्टों के लिए। इसी के साथ हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं एक ऐसी एक्सपर्ट जो बताएंगी अपने बारे में और बताएंगी क्या खासा आज दिन भर का उनका इस कंटेस्ट जो था उसमें कैसे क्या इन्वॉल्व है। बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम। बहुत अच्छे लोग थे और बहुत इनोवेटिव रेसिपीज के साथ भी आए थे। बहुत अच्छा लगा कि कानपुर जैसे जगह पे इस तरह का इतना अच्छा और बड़े लेवल का इवेंट हुआ। मुझे देख के बहुत खुशी हुई कि मुझे और कहीं और जज करने के लिए जाने की जरूरत थी, क्योंकि कानपुर में इतनी प्रतिभा, इतने पास में इतना इनोवेशन और टेस्ट एक साथ मिल रहा था। और थैंक यू देती हूँ मैं इसको मनी जी को, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं यहाँ पे जजमेंट करने की स्थिति में थी। लेकिन बहुत अच्छा फीलिंग आ रहा है कि इतना टेस्ट कानपुर में भी है। ओके खास तौर पे देखा जाए कानपुर की गर्मियाँ जितनी ज़्यादा जिम्मेदारी होती है उन पर के घर के फिर घर को अपना देखना घर की जिम्मेदारियाँ, तो कानपुर में जो खासतौर पर गर्मियाँ उनके लिए कोई आप खास मैसेज देना चाहोगे ऐसा, अगर कोई इसी प्रोफेशन को लेकर इंटरप्रेन्योरशिप करना चाहता है। मैं इतनी देर से मैं सभी को यही बता रही थी कि चकला बेलन को बिल्कुल डर होना चाहिए। आज चकला बेलन की वजह से मैं यूट्यूब से पैसा तो कमा ही रही हूँ, घर की दहलीज के अंदर रह करके हम लोग ये काम कर रहे हैं और आपके सामने मैं हूँ एज ए जज। तो चकला बेलन कमज़ोर कहाँ से होता है और हम हाउस वाइफ कहाँ कहते हैं कि हम लोग छेद नहीं कर सकते, कहीं से भी पानी निकाल सकते हैं, एक तबीयत से पैर मारने की जरूरत है, पानी कहीं से भी निकलता है। कोई ऐसा खास मैसेज कानपुर वासियों के लिए? हाँ, बस ये कहेंगे कि शुरुआत जो सीढ़ी की होती है, पहली सीढ़ी से होती है, ना कि नवी सीढ़ी से होती है। तो शुरुआत करें चाहे छोटी ही करें, लेकिन ज़रूर करें, हिम्मत से, सच्ची लगन से, नीयत अच्छी रख करके ज़रूर सफलता मिल जाएगी। ओके और इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ बोली कि चकला बेलन को छोड़ के चीज़ों में अगर हम लोग अपना दिल से मेहनत कर रहे हैं तो उसमें सफलता एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी। इसी के साथ आकाश कानपुर लाइव में इतना ही कितना।